हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम क्लास 9 का ये चैप्टर हमने ये ऑस्मोसिस तक पढ़ लिया था। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिखा रहा है ऑस्मोसिस के बारे में, थोड़ा और डिटेल में जानेंगे यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आप बता रहा है यहाँ पर ऑस्मोसिस के बारे में, हमने जान लिया कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। क्या है ये कि वो वाटर का मूवमेंट जो कि एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार। ठीक है, वो होता है ऑस्मोसिस। तो इसके बाद अब है क्या बोल रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। अगर मान लो जो मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो वो किसके द्वारा अफेक्ट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट, कि भाई कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके अंदर डिजॉल्व है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए जो ऑस्मोसिस क्या है, इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस की पूरी डेफिनेशन क्या बनती है कि भाई वाटर का पैसेज हो रहा है, मतलब वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर पास हो रहा है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, कहाँ से, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट मीन्स देर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द वाटर विल मूव फ्रॉम द हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो दिस इज वॉट osmosis is. And what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? तो क्या होगा अगर plant cell या animal cell को रख दिया जाए salt या sugar solution में? ठीक है, तो होगा क्या इसमें? देखिए, बोल रहा है कि कुछ चीज़ें होंगी, three things में से कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा जानते हैं? पहला क्या हो सकता है? तो पहला क्या हो सकता है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, अगर जो सेल के चारों तरफ जो मीडियम है उसमें अगर मान लो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। अगर मान लो बाहर का जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, तो क्या होगा? अगर बाहर का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो क्या होगा, क्या होगा बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो, द सेल विल गेन वाटर, जो सेल है वो वाटर गेन कर लेगा। ठीक है, तो द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इस केस में क्या होगा, जो सेल है वो वाटर गेन करेगा ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, और इस तरीके सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है कि अगर मान लो बाहर का जो सराउंडिंग का मीडियम है सेल के बाहर का, उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, बहुत अगर मान लो डाइल्यूट है तो क्या होगा, तो जो सेल है उसके अंदर पानी जाएगा, देन द सेल विल गेन वाटर बाई ऑस्मोसिस। इस केस में जो सेल है उसको पानी मिलेगा, वो ऑस्मोसिस द्वारा पानी को गेन। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये पॉइंट आपको याद करना है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री होते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में पास करें, इन बोथ द डायरेक्शन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, लेकिन ज़्यादातर वाटर जो अंदर आएगा एज कम्पेयर टू बाहर जो जा रहा है उससे कंपेयर में, तो जो बाहर जो जा रहा है उसके कंपेरिजन में जो अंदर पानी आ रहा है वो ज़्यादा होगा, और जो ओवरऑल जो होगा, जो नेट रिजल्ट होगा, वाटर क्या होगा, एंटर करेगा सेल में। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ओवरऑल जो रिज़ल्ट होगा इस ऑस्मोसिस प्रोसेस का, मूवमेंट का जो ओवरऑल जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि जो पानी वो सेल में जाएगा, तो उससे क्या होगा, द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप, और जो सेल होती है वो जल्दी से स्वेल अप हो जाएगी, मतलब सूज जाएगी। ठीक है, तो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगी या सूज जाएगी, तो फूल जाएगी सेल। एक कंडीशन होगा ये कि जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है पानी का,
और दूसरा बोल रहा है कि इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, अगर मान लो जो उस मीडियम में सेल को रखा गया तो अंदर बाहर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लो सेम है तो क्या होगा, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, तो उसमें क्या होगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं होगा। सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और जो इस तरह का सॉल्यूशन होता है इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें अंदर बाहर दोनों का कंसंट्रेशन सही होता है, जिसमें सेल के अंदर बाहर से पानी नहीं जाता है, ठीक है, तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जब कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस तो इसका मतलब वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शंस, जो वाटर है वो बोथ द डायरेक्शन में क्रॉस करता है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, तो मतलब जैसा कि अंदर जा रहा है गोइंग इन और गोइंग आउट दोनों बराबर होता है, जिसका मतलब है कि देर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब मान लो 2 ml अंदर गया तो 2 ml बाहर आ गया, तो इसका मतलब तो वाटर का जो मूवमेंट है वो तो ज़ीरो हो गया, तो इस सेल का जो साइज़ वो उतना ही रहेगा, ना सेल का साइज़ कम होगा ना सेल का साइज़ ज़्यादा होगा, ना पानी अंदर जा रहा है ना पानी बाहर जा रहा है, क्यों, क्योंकि जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ जाए, तो कोई मतलब नहीं है इसका, तो ठीक है। तो यही आपको याद रखना है कि इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है ना, यही आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट बता रहा है, थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है कि इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर मान लो मीडियम में क्या है लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि सेल के बाहर जिस मीडियम में सेल को रखा गया है उस मीडियम में क्या है लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगर वाटर है तो क्या होगा, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर मान लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो क्या होगा, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, जो सेल है वो वाटर लूज करेगा ऑस्मोसिस के द्वारा, तो अगर मान लो बाहर बहुत कम है तो सेल ही वाटर को लूज कर देगा, यानी कि सेल में से पानी बाहर की तरफ आएगा, अगर बाहर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीन तरह के सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ द लिक्विड थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, इस केस में भी क्या हो रहा है, वाटर तो बोथ डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है लेकिन जो वाटर बाहर आ रहा है वो ज़्यादा है, इतना पानी अंदर जा रहा है उससे ज़्यादा बाहर आ रहा है, तो यानी कि जो बाहर आने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, क्योंकि भाई सेल के अंदर से पानी निकल के आ जा रहा है तो सेल सिकुड़ जाएगी, इट मीन्स द सेल इज गोइंग टू श्रिंक, क्योंकि सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक। इसलिए बोल रहा है कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ही होता है ये भी, लेकिन ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है जो कि एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ एक्टिविटी ट्राई करने के लिए बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, ऑस्मोसिस करा रहा है, ठीक है। देखिए इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है भाई, हाँ सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई, ऑस्मोसिस विद एन एग, एग के साथ ऑस्मोसिस कर रहा है, बोल रहा है कि रिमूव करो शेल, एग के जो शेल था उसको रिमूव करो बाय डिसॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
कैसे, उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजोल्व करके। द सेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है कि जो सेल होता है मेनली किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अ थिन आउटर स्किन, तो आपको याद रखना कि एक थिन जो आउटर स्किन होता है, नाउ इनक्लोज द एग, अब वो उसको इनक्लोज करके रखेगा एग को, ठीक है।